नमस्कार, मैं अभिषेक त्यागी। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके बाद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन लगा दिया है। 26 अप्रैल तक ये लॉकडाउन रहेगा, लेकिन अब मुख्यमंत्री खुद नहीं बच पाए हैं और उन्होंने खबर दी है, जानकारी दी है दिल्ली के लोगों को कि भाई अब उन्होंने भी खुद को होम क्वारंटीन कर लिया है। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने जानकारी ये भी दी कि उनकी पत्नी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। केजरीवाल ने बताया है कि उन्होंने अपनी पत्नी सुनीता का कोरोना टेस्ट करवाया, जिसके बाद वो पॉजिटिव पाई गई और अब वो भी होम क्वारंटीन है। और उसके बाद में उन्होंने खुद को भी घर में आइसोलेशन में अपने आप को रखा हुआ है और केजरीवाल ने जानकारी खुद दी है। साथ ही उन्होंने दिल्ली के लोगों से भी ये गुजारिश की है और अपील की है कि भाई लॉकडाउन का पालन करें, मास्क लगाएं और अपने घर से बाहर ना निकलें, अगर ज़रूरत हो तो घर में ही रहें। क्योंकि दिल्ली में अगर जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में लगातार एक्टिव केस दिल्ली में बढ़ रहे हैं और जिसने चिंता बढ़ा दी है सरकार की भी, और इसी परेशानी को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने एक हफ्ते के लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। 26 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए देखते हुए केजरीवाल सरकार परेशान है, स्वास्थ्य विभाग परेशान है। स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि पिछले कुछ दिनों में 76,000 मामले बढ़े हैं दिल्ली में, जो परेशानी जारी तौर पर परेशानी खड़े कर रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह से केजरीवाल ने खुद के बारे में जानकारी दी है कि उनकी पत्नी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई, वो होम क्वारंटीन है, उसके बाद में वो खुद भी उन्होंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है, घर में वो भी कैद हैं, और लोगों से जिस तरह से उन्होंने अपील की है कि भाई लॉकडाउन का पालन करिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करिए और अगर हो सके तो घर में रहिए, घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए, क्योंकि अगर घर से बाहर निकलेंगे तो कोरोना महामारी जिस तरह से फैल रही है वो हो सकता है कि आपको भी अपनी चपेट में ले ले। तो केजरीवाल की खबर ये है कि वो खुद भी क्वारंटीन में चले गए हैं, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं और दिल्ली में लगातार मामले बढ़ते देख ही रहे हैं आप, किस तरह से मामले बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग परेशान है, चिंता का विषय ये जाहिर तौर पर है ही कि दिल्ली में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो लॉकडाउन का पालन करिए दोस्तों। अगर देखिए, इस महामारी को अगर हराना है तो सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है इस महामारी को हराने का, और सावधानी बरतिए, जितना हो सके अपने घर में ही रहिए, अगर आपको काम नहीं है तो घर में ही रहिए, लॉकडाउन का पालन करिए और मास्क लगाइए, बेहतर होगा मास्क लगाइए और सैनिटाइज़र लगाइए, क्योंकि अगर आपके हाथ में गंदगी होगी या फिर आप कहीं से किसी चीज़ को टच कर कर आ रहे हैं तो कोरोना ये जो नया स्ट्रेन है बड़ा खतरनाक है और इससे बचना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो केजरीवाल की ये खबर हमने आप तक पहुंचाई, केजरीवाल ने क्योंकि खुद को भी ये खबर जानकारी दी है और लोगों से ये विनती की है कि भैया लॉकडाउन का पालन करिए, और उन्होंने अपने बारे में भी जानकारी दी है कि मेरी जो पत्नी है सुनीता वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, होम आइसोलेशन में है और मैंने भी खुद को घर में कैद कर लिया है।